हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जिसमें जनरल बायोलॉजी पूछा जाता है एंड आल्सो अगर उन एग्जाम्स की बात करें जिसमें लाइफ साइंसेस का सिलेबस होता है तो उनमें भी बेसिक बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अब आज के डेट में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं रिसेंटली पास्ट टू टू थ्री इयर्स में ये देखा जाता है कि बेसिक से ज़्यादा सवाल आते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडवांस लेवल यानी हम हमेशा एक गलती कर देते हैं हम हमेशा एडवांस और कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ते हैं ये सोच के कि ये एग्जाम में आएगा बट उन सब चीजों में हम ये भूल जाते हैं कि बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास रहेगा अगर हमें बेसिक पता है तभी जाके हम एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो so इस वीडियो के पीछे का मेरा एम यही है कि आप लोगों को ये बताना है कि बेसिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को एनालिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सो इस सीरीज़ में मैं बहुत सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करूंगी एंड आई विल सॉल्व सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड हो सो से ट्यून्ड एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज सो हर बेसिक एग्जामिनेशन में फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है सो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ़ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है एंड फादर ऑफ जुलजी एरिस्टोटल को बोला जाता है सो so, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं सो दिस इज द क्वेश्चन टू जिसमें पूछा गया है द प्रोसेस बाई विच बैक्टीरियल सेल अपटेक डीएनए इज कॉल्ड यानी जब एक बैक्टीरियल सेल में सपोज ये बैक्टीरियल सेल है अब इस बैक्टीरियल सेल में अगर फॉरेन डीएनए आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जीन एक्सप्रेशन नहीं जीन एक्सप्रेशन उसे नहीं बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है ट्रांसलेशन भी नहीं होता है तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ उसका करेक्ट आंसर या सही आंसर सिर्फ याद मत रखिए बाकी ऑप्शन क्यों रॉन्ग हैं आपको अगर वो पता चल जाए तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अब जैसे इसमें था जीन एक्सप्रेशन तो जीन एक्सप्रेशन नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्रेस होना यानी कोई भी जीन जब एक्सप्रेस होता है तो उसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जब भी, भी कोई सेल फॉरेन डीएनए लेता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये क्या है ये एक बैक्टीरियल क्रोमोजोम ये जो पिंक दिख रहा है बैक्टीरिया का ये जो क्रोमोजोम है वो क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ये एक दूसरा बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है ब्लू कलर का अब ये दूसरा जीन किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीन क्या कर रहा है अपने डीएनए में या अपने क्रोमोजोम में इंसर्ट कर रहा है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉरन जीन को अपने जीन में मिला लेता है तो उसे हम बोलते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये बैक्टीरिया क्या हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया है दूसरे क्रोमोजोम का पार्ट इसके क्रोमोजोम के पार्ट में अटैच हो गया है एंड ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो होता है एम आर ए का फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन एज ट्रांसक्रिप्शन वहीं ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का सिंथेसिस यानी द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस की तो आपको ये याद रखना है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो प्रो का मतलब होता है बैक्टीरिया यानी कि जिनका सेल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी पूरी तरह से डेवलप्ड न्यूक्लियस किस में होता है यू में यू कैरियोड्स में और प्रो कैरियोट्स में क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता यानी ट्रू न्यूक्लियस एबसेंट होता है तो चाहे वो प्रो कैरियोट्स हो या फिर यू कैरियोर्ट्स हो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है ट्रांसलेशन और वो किसमें होता है राइबोसोम में यानी राइबोसोम को क्या बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री सो हमने एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यानी चार हमने ऑप्शंस पढ़े चारों के ऑप्शंस हमें पता चले साथ ही साथ हमने ये देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को कौन करता है राइबोसोम करता है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज रिगार्डेड एज दी प्रोटीन फैक्ट्रीज तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करना है राइबोजोम्स और जैसे कि अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है विच ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज दी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किन केमिकल का यूज किया जाता है कॉपर फेरस सल्फेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड सो इट इज ऐ कैल्शियम क्लोराइड विच इज कॉमनली यूज एज अ ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल कैल्शियम क्लोराइड के यूज करने से क्या हो जाता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन के प्रेसिपिटेट होने से क्या होता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है फॉरेन जीन लेने की जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे ये फॉरेन जीन है और इन सब जीन्स को क्या होना है जाना है एक बैक्टीरिया में तो अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अगर सख्त होगा हार्ड होगा तो ये कैसे एंट्री लेगा तो उसी को चेंज करने के लिए उसका जो क्षमता है वो बढ़ जाए इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का Now next, now next question is name the scientist who first discovered the cell in the piece of cork. So सबसे पहले किसने डिस्कवर किया ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में So Robert Hooke सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था सेल्स पे यानी जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था सो so, इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोला जाता है सो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है साइटोलॉजी यानी क्या होता है साइटोलॉजी यानी होता है द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस पार्ट्स तो यहाँ से भी दो क्वेश्चंस बन गए कि अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है और साइटोलॉजी क्या है या फिर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था या कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले पीस ऑफ कॉर्क में सेल को ऑब्जर्व किया था तो उसका सबका आंसर है रॉबर्ट हुक नाउ नेक्स्ट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल बायोलॉजी के कि फ्लूइड मोजैक मॉडल किसने डिस्कवर किया था एंड इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि फ्लूड मोजैक मॉडल जो हम बोलते हैं वो किस ऑर्गेनील से या किस सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है सो विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज डिस्क्राइब बाई द फ्लूड मोजैक मॉडल ये जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बिकॉज फ्लूड मोजैक मॉडल हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सो so सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो फ्लूड मोजैक मॉडल है वो एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ एवरी सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि हर सेल में होता है जो क्या है? करता है सेल को सेपरेट करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में और ये इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन एक मॉडल से बताया जाता है जो कि है हमारा फ्ल्यूट मोजैक मॉडल जिसे किसने दिया था जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने 1972 में नाउ नाउ कीप इन माइंड कि ये जो ईयर है 1972 एंड ये जो दो साइंटिस्ट का नाम है जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन शॉर्ट में इसे सिंगर एंड निकोलसन बोला जाता है जिन्होंने फ्लूड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था अब कई बारी क्वेश्चन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा नहीं लिख के सिर्फ पीएम लिखा जाता है तो उसका मतलब भी आपको समझना है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लूइड मोजैक मॉडल से जिसका मतलब होता है यानी कि इसे कंपेयर किया गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज रिच इन लिपिड प्लस प्रोटीन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है और प्रोटीन होता है सो so, प्रोटीन को कैसे कंसिडर किया गया है उसे मोजैक फॉर्म में कंसिडर किया गया यानी पूरे लिपिड के पूल में जैसे ये हमारा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है लिपिड होता है अगर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो बीच बीच में क्या होता है छोटे छोटे हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इंटीग्रल होते हैं कुछ सरफेस पे होते हैं सो so, उसी को कंपेयर किया गया फ्लूड मोजैक मॉडल से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है मार्क द कॉम्पोनेट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ लिपिड बाई लिपिड बाई लेयर का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेट नहीं है हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाई लेर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें दो लिपिड के बाईलेयर होते हैं यानी एक लेयर इधर और एक लेयर इधर दो लिपिड बाई लेयर होते हैं तो उस लिपिड बाई लेयर में कौन सा पार्ट नहीं होता है सो so, उसमें क्या नहीं होता है ग्लिसरॉल और स्फिंगोसाइन ये होता है फैटी एसिड्स भी होता है फॉस्फेट भी होता है ट्रिप्टोफिन एंड मिथियोनिन नहीं होता है क्योंकि ट्रिप्टोफिन एंड मिथियोनिन क्या है अमीनो एसिड है अमीनो एसिड किसके मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के यानी प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जैसे हमारा बॉडी एक ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है सेल टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन क्या बनाता है ऑर्गेनिज्म बनाता है लाइक वाइज हमारा प्रोटीन जो है वो भी किसी मोनोमर से बना होगा यानी प्रोटीन्स का जो इकाई होता है वो क्या होता है अमीनो एसिड्स होता है Uh, मैं इस वीडियो में बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ हिंदी भी मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो व्यापम कंडक्ट कराता है या जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती हैं उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज इतनी ईजी हो कि आपको ईजीली समझ में आए बट अगर आपको फिर भी कहीं डाउट आता है आप मुझे बिल्कुल बिना हेजिटेट किए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर सो इसीलिए ट्रिप्टोफेन एंड मिथ्योनिन क्या है एक अमीनो एसिड है जिनसे प्रोटीन बनता है एंड इसीलिए ये लिपिड बाई के पार्ट नहीं है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्टोफेन एंड मिथ्योनिन ये लिपिड लेयर के पार्ट नहीं है क्योंकि लिपिड बाई फॉस्फोलिपिड से बनता है जिसके कॉम्पोनेट है ए बी एंड डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड बाई से ही वॉट इज द द नेम ऑफ दॉलोस्फियर फॉर्म बाई लिपिड बाई लिपिड बाई से जो हॉलोस्फियर बनता है उसका क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल लिपिड ड्रेफ्ट मिसलेस और लिपोजोम्स। सो करेक्ट ऑप्शन है लिपोजोम यानी ये जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको डायग्राम में इट इज अ लिपिड बाई लेर होलोस्फियर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज लिपोजोम इसमें यू कैन सी कि दो लिपिड बाई लेयर है यानी एक ये वाला एंड एक ये दूसरा वाला और ये बीच में पूरा हॉलो है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट होता है जो लिपिड बाइलेयर की टेल के से बन रहा है वो पूरा होता है फैट सॉल्युबल अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए लिपिड बाइलेयर ये जो है हेड और टेल ये एम्फीपैथिक होता है यानी इसमें हाइड्रोफिलिक एंड भी होता है हाइड्रोफोबिक एंड भी होता है जो मैं समझा देती हूँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सो so, जब भी हम फॉस्फोलिपिड बाई लेअर की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में इस टाइप का आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एम्फीपैथिक इस टाइप के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट रहते हैं यानी कैसा रहता है स्ट्रक्चर ऐसा रहता है ये इस टाइप का यानी हेड जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है और जो टेल रहता है वो इन यानी इंटीरियर के साइड रहता है ये होता है लिपिड बाई लेयर पहला लेयर ये दूसरा लेयर ये अब इसमें आप जो हेड देख रहे हैं वो बाहर के साइड क्यों है कोई भी चीज़ बाहर के साइड में क्यों होती है यानी जो एनवामेंट से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है अब एनवायरमेंट से हम बात कर रहे हैं यानी एक्सटीरियर एनवायरमेंट की तो एक्सटीरियर एन्वायरमेंट में क्या होता है वाटर होता है या फिर एक्वस एनवायरमेंट रहता है इसीलिए हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक शब्द का मतलब होता है वाटर लविंग और इसीलिए बाहर के तरफ रहता है क्योंकि ये वाटर से रिपेल नहीं होता है वाटर से दूर नहीं जाता है वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वहीं ये जो टेल है आप इस लिपिड बाईलेयर में देखिए ये जो टेल है वो अंदर की तरफ है अंदर की तरफ ये मतलब ये हाइड्रोफोबिक है ये वाटर हीटिंग है वाटर लविंग नहीं है इसीलिए ये अंदर की तरफ रहता है तो ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर का क्या था कैरेक्टरिस्टिक था जो आपको याद रखना है हेड और टेल और जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही पार्ट होते हैं उसे हम नाम देते हैं एम पैथिक ये भी टर्म आपको याद रखना है तो लिपिड तो जो लिपिड बाई लेर में लिपिड होता है दैट इज एम्फीपैथिक तो यहाँ से भी एक की टर्म निकल के आया कि एम्फीपैथिक शब्द का मतलब क्या है जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल हो और हाइड्रोफिलिक हेड हो उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एम्फिपैथिक यानी कि जो लिपिड हमें मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में वो होते हैं एम्फ्योपैथिक इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा की पॉइंट बना के लिख लीजिए आपको हमेशा याद रखना है सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिजीज कॉज बाई एग्रो बैक्टीरियम इन प्लांट्स ये क्वेश्चन हमेशा आता है जब प्लांट जेनेटिक बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आता है सो so, जो एग्रो बैक्टीरियम है वो एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया डिजीज कराता है क्राउन गोल्ड डिजीज यानी क्राउन गॉल डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है किसमें देखने को मिलता है ये प्लांट्स में होता है क्राउन गॉल डिजीज़ में क्या होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है यानी जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि ये एग्रोबैक्टेरियम कौन सा डिजीज़ कराता है तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है क्राउन गॉल डिजीज साथ ही ये ध्यान रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है ये जो एग्रोबैक्टीरियम वो एक बैक्टीरिया है तो ये डिजीज़ क्या हो गया बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया अब इसमें क्या होता है इस डिजीज़ में इस डिजीज़ में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है यानी रूट्स में या फिर ट्रंक में ब्रांचेस में बहुत सारे ट्रीज और श्रब्स में क्या हो जाता है ट्यूमर जिसे गोल बोला जाता है गोल का मतलब होता है ट्यूमर बहुत सारी सेल जब रैपिडली डिवाइड होती हैं तो इस टाइप का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे ही बोला जाता है क्राउन गोल डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द दर्मीएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व किए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सिलेक्टिवली परमिएबल होता है या फिर इम होता है या सिंगल फेज फ्लो होता है या हाईली परमिएबल होता है सो so आपको ध्यान रखना है हमेशा हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं डेफिनेशन लिखते हैं सो so ये लिखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है सिलेक्टिवली का मतलब क्या हो जाता है चूज करके सिलेक्ट करके सिर्फ मॉलिक्यूल्स को एंट्री देता है सारे ही सॉल्यूट यानी सारे मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं अभी जस्ट पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाईलेयर है यानी दो लिपिड बाईलेयर बना हुआ है तो उसमें आसानी से क्या जा सकता है उसमें आसानी से हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है लिपिड लविंग ये याद रखिए हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें क्या होता है हाइड्रोफोबिसिटी होता है यानी कि वो वाटर हीटिंग होते हैं सो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स लिपिड भी क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है इसीलिए उनमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं या फिर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं साइज़ में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस या फिर जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर्स की, की ज़रूरत पड़ती है तभी वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो आपको इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है और इज अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो कि क्या होते हैं वाटर हीटिंग होते हैं हाइड्रोफोबिसिटी उनमें होता है एंड जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली जा सकते हैं लेकिन जो बड़े हैं साइज में और चार्ज है स्पेशली जो आयंस हैं वो अपने आप पास नहीं हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बहुत देखा है जनरल बायोलॉजी में वॉट इज द यूनिट ऑफ अ जेनेटिक मैप तो आपको ध्यान रखना है जेनेटिक मैप का यूनिट है सेंटी मॉर्गन जिसे लिखते हैं सी और कैपिटल एम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है ये भी स्पेक्ट्रीन एंड एंकायरीन आर द एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल हैं स्पेक्ट्रीन एंड एंकायरीन सो स्पेक्ट्रीन एंड एंकायन जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं एंड स्पेसिफिकली किसके आर के यानी जो हमारा एरिथ्रोसाइट होता है रेड ब्लड सेल उसके मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये देखने को मिलता है हमारा इसीलिए ये पेरीफेरल प्रोटीन है अब हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अभी मैंने बताया था वो लिपिड बाई लेयर होता है लिपिड बाई लेयर तो लिपिड बाई लेयर यानी दो लिपिड की लेयर के अलावा उसमें प्रोटीन भी होता है कुछ प्रोटीन अंदर रहते हैं जिसे हम इंटीग्रल बोलते हैं इंटीग्रल यानी इनर प्रोटीन जो कि कैसे रहता है इनर यानी ऐसे पूरे वो प्रोटीन मेम्ब्रेन में लगे हुए रहेंगे एम्बेडेड रहेंगे और वही जो बाहर सरफेस में रहता है उसे क्या बोला जाता है पेरीफेरल स्पेक्ट्रीन so, और जो है वो है वो प्रोटीन आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के कि इंटीग्रल प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट से जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल सॉल्यूट फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू अदर यानी जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा लिपिड बाई लेयर है उससे जो बड़े मॉलिक्यूल्स या चार्ज मॉलिक्यूल्स को अगर हमें पास कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है तो उस ट्रांसपोर्टर्स के लिए पूछा गया है कि अगर सिंगल सॉल्यूट ही वो आने दे रहा है जैसे कि अगर आप मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारा ट्रांसपोर्टर है तो इस ट्रांसपोर्टर से अगर सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल एट अ टाइम आ रहा है तो उस ट्रांसपोर्टर को क्या बोला जाता है सो so, उस ट्रांसपोर्टर को बोला जाता है यूनिपोर्टर यूनी यानी सिंगल तो यूनिपोर्टर क्या होता है वो एट अ टाइम सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल को एंट्री देता है सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है क्वेश्चन यूनिपोर्टर पर आया है तो क्वेश्चन किस पे आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है सिम पोर्टर पे सिम पोर्टर क्या होता है सिम पोर्टर ऐसा होता है कि वो दो मॉलिक्यूल्स की एंट्री एक ही डायरेक्शन में एक साथ कर सकता है तो इसे हम क्या बोलेंगे सिम क्वेश्चन क्या आएगा कि सिम क्या करता है एक साथ सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो सिम्पोटर भी आपको पूछ सकता है एंड इसके अलावा एंटीपोटर्स भी पूछा जा सकता है एंटीपोर्टर्स क्या होता है एंटीपोर्टर्स होता है जस्ट ऑपोजिट एंटी यानी क्या होता है ऑपोजिट तो इसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल अंदर आता है तो एक मॉलिक्यूल क्या होता है बाहर जाता है यानी आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्शन एक अप एक डाउन तो इसे बोला जाता है एंटी पोर्ट एंटी पोर्टर क्वेश्चन का आंसर क्या था यूनिपोर्टर्स यूनिपोर्टर्स आर यूनिपोर्ट विच मीडिएट सिंगल नॉन कपल ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी पोर्टस पर जो मैंने अभी बताया एंटी पोर्टर्स में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ द सेकेंड सॉल्यूट इन द सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता तो ये क्या होता ये हो जाता सेम पोर्ट जो अभी मैंने बताया था नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ द सेकेंड सॉल्यूट इन द अपोजिट डायरेक्शन यही है सही ऑप्शन एक दूसरे डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर ऑफ सिंगल सॉल्यूट होता तो ये क्या हो जाता ये हो जाता यूनिपोर्ट लेकिन हमारा आंसर यूनिपोर्ट नहीं है ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट थ्रू ओर्स ये भी ऑप्शन गलत है सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है ऑप्शन बी देट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेकेंड सोल्यूट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं डू कमेंट बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग